हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग आपने देख ही लिया था, हम घर पहुंच गए थे और उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। तो करीबन सुबह के 7 7:30 बज रहे हैं, तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। और ऐसा होता है ना, जब जगह चेंज होती है, बेड चेंज होता है, तो नींद नहीं आती पहले दिन। वैसे तो इतना ज़्यादा टायर्ड थे लेकिन नींद अच्छे से नहीं आई। और फिलहाल नोनी तो अभी सो ही रहा है, तो मैं यहाँ पे शावर लेके रेडी हो गई थी, क्योंकि ट्रैवलिंग करके सबसे पहले नहाना ही अच्छा लगता है मुझे, तो नहा लिया था। उसके बाद सबसे पहले बन रही है गर्मा गर्म चाय और उसके बाद करते हैं आपसे बात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सुबह के आई थिंक 7:30 बज रहे हैं, हाँ 7:30 ही हो रहा है। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। यहाँ का रूटीन एकदम डिफरेंट रहता है, आपने पहले के ब्लॉग्स में भी देखा होगा। तो आज का ब्लॉग जो है हमारे घर से शुरू होता है, और इस टाइम मैं उठ गई थी करीबन 6:30 के आसपास। सबसे पहले मैंने कपड़े धोए ट्रैवलिंग के, और उसके बाद जो है शावर वगैरह लिया। अब मैं चाय पी रही हूँ बढ़िया से गर्मा गर्म, और उसके बाद फिर बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो नोनी का अपडेट ये है, नोनी अभी तक सो ही रहा है आराम से। और यहाँ पे मैंने बोला ही था कि ठंड होती है, तो वहाँ इंदौर में इतनी गर्मी से हम लोग परेशान हो रहे थे, और यहाँ ठंड हो रही है तो मैंने बाहर से स्वेटर पहन लिया। सुबह सुबह ठंड है, वैसे दिन में तो आई डोंट थिंक कि स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बच्चों के हिसाब से ठंडा है, तो इसलिए मुझे नोनी के मतलब नोनी का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। और उसको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, वैसे भी उसकी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, तो उसके गर्म कपड़े में लेके आई हूँ थर्मल्स वगैरह। तो सबसे पहले चाय पीते हैं। हाय हाय और बोलो हाय। ये आलू की हमारी सुबह सुबह उठ गई, कितने बजे उठी थी आलू? 5:30 बजे से उठी हुई है, पूरे घर में ये नाचने में उस टाइम में। नोनी जी उठ गए हैं। नोनी, नोनी को मैंने स्वेटर बना दिया। नोनी हाय बोलो। कहाँ आए हो पहले आप बताओ, कहाँ आए हो? अरे तो दिन भर हाय बोलते रहेगी। दादू गल आया हूँ मैं, दादू गल। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक, वो देखो छोटी टीवी। आज तो पापा ने यहाँ पे एक टीवी रख दी है, क्योंकि ये टीवी ना नीचे शॉप में रखी हुई थी, और आरू जो है टीवी देखती है तो किसी और को कुछ नहीं देखने देती। आप सबको पता है नोनी का भी वही हाल है, टीवी देखता है तो किसी को कुछ नहीं देखने देता है, तो इसलिए पापा ने वो टीवी ऊपर लेके आनी पड़ी है ना। आरू क्या देखते हो टीवी में बताओ? और ये देखती है मोटू पतलू, हेलीकॉप्टर भी आ रहा है। 8:30 बज गया और हमने नाश्ता बना लिया है। तो कल की सब्जी एक्चुअली ब्रेकफास्ट में आलू चने की सब्जी, और उसके अलावा चाय मैंने बना दी है। लेकिन सब लोग ना अभी छत में गए हुए हैं, और बच्चे भी ऊपर छत में हैं। नोनी तो इतना खुश है यहाँ के, उसकी एक्साइटमेंट तो ना मतलब कल रास्ते से ही देखने से पता चल रही थी। जैसे हम लोग गाड़ी से उतरे वैसे ही नोनी इतना एक्साइटेड हो गया दादू घर जाने के लिए। वैसे भी मैंने उसको बताया था बेटा हम दादू के घर जा रहे हैं, तो वह सुपर एक्साइटेड, लाइक हम लोग अभी पहुँच गए दादू के पास, तो पूरे रास्ते पर दादू दादू ही बोल रहा था। और कल का हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, और मिस्टर रावत जो है करीबन वो पहुँचे 9 बजे के आसपास, इंदौर पहुँच गए थे वो भी सेफली। तो आज से वो अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, और बस ये है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ, और कुछ दिन तो लगेंगे एडजस्ट होने में, और खाने पीने का खुद ही करना पड़ेगा। फिलहाल उनके टूर स्टार्ट हो जाएंगे, 1-2 दिन में अपने इधर उधर निकल जाएंगे टूर पे, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा भी है, और यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा है, इस वजह से एक स्वेटर मैं भी लेके आई हूँ अपनी, और नोनी के कुछ गर्म कपड़े लेके आई थी। बच्चे सारे ना छत में ही है, मैं दिखाती हूँ। आरू नोनी दोनों ऊपर हैं पापा के साथ, सुबह सुबह खेलने पहुँच गए। आओ नीचे आओ। कहाँ गए थे नानी, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? आलू दीदी कहाँ? बुलाओ आलू दीदी का, आवाज लगाओ। आलू दीदी कम 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 जल्दी आओ, जल्दी आओ, अप्पू करेंगे, अप्पू करेंगे। जय करो, ताई जी प्रणाम, ताई जी प्रणाम, ठीक हो? अच्छा किसका भैया? ये देखो तो पूरे व्लॉग में आप बच्चों की मस्ती खूब देखने वाले हैं, और आप लोगों को भी अच्छा लगता है आरू और नोनी की मस्ती। तो फिलहाल यहाँ पे मैं उज्जैन से प्रसाद ले आया था ना हमने तब, तो मैंने एक्स्ट्रा लेके रखा था घर के लिए, क्योंकि हमें पता था नेक्स्ट मंथ घर जाएंगे, तो बस यहाँ पे मम्मी सबको नहा धो के प्रसाद। अभी 10 बजने वाले हैं, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, किचन क्लीनिंग कम्प्लीट हो गई है, अब मैं नोनी को नहलाती हूँ
और नोनी के कुछ कपड़े जो मैं यहाँ छोड़ के गई थी वो देखती हूँ अभी मैं। तो नोनी का ना ये वाला टॉवल जो है यहीं पे छोड़ के गई थी तो मुझे लाना नहीं पड़ा। उसके अलावा एक ये पजामा ये है और कुछ कपड़े और हैं लेकिन वो छोटे हो गए तो ये तो उसके काम आ जाएंगे। तो इसके बाद मैंने नोनी को नहला दिया था और यहाँ पे मम्मी ने आँख में दवाई डाली हुई है तो मम्मी लेटी हुई थी और नोनी को यहाँ पे कपड़े पहनने में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है तो मैंने सोचा नहा के फटाफट उसको कपड़े पहना दूँगी क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है एकदम से ठंड पकड़ लेती है। तो सबसे पहले मैं उसे थर्मल ही पहना रही हूँ अभी, उसके बाद फिर बाहर से कुछ हल्का फुल्का सा टी शर्ट। सुबह शाम ठंड है, दोपहर में तो नॉर्मल टेम्परेचर है यहाँ का, अच्छा रहता है वेदर। सुबह के 11 बज गए हैं और बच्चों के लिए मैंने अनार पील किया है। आरू जा रही है मार्केट अपने पापा के साथ में। आरू मम्मा जा रहे हैं मार्केट, बाय पापा चांद, बाय बाय। नानी को भी जाना है, जाओ हैंकी ले आओ। आरू को हो रहा है कोल्ड, यहाँ के इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब इंदौर की गर्मी से राहत मिली। वहाँ हम लोग फैन चला के रहते हैं हर समय, सुबह से फैन चलना शुरू है। नोनी कहाँ जा रहा है, नोनी कहाँ के तैयार हो रहा है। अब नोनी भी जा रहा है दादी के साथ सब्जी लेने। नोनी तैयार हो गया है दादी के साथ सब्जी लेने के लिए। नोनी रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ, अभी दादी आ रही है। 11:30 बज गए हैं सुबह के, नोनी चला गया दादी के साथ सब्जी लेने के लिए। आरू भाभी और भैया एक्चुअली आजकल घर में ही है तो वो गए मार्केट कुछ काम से, और पापा भी किसी के वहाँ गए, किसी की डेथ हुई एक्चुअली। तो अभी मुझे लंच की भी तैयारी करनी है और हम लोग यहाँ टाइम से लंच बना लेते हैं। अभी 11:30 हो रहा है तो 12:30 बजे तक हमारा लंच बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। कपड़े वगैरह मैंने मॉर्निंग में वॉश कर लिए थे, हेयर भी वॉश किए थे। जब ट्रैवलिंग करके आओ इतने ज़्यादा, मतलब जो ड्राइवर था ना इतनी तेज़ गाड़ी उसने चलाई है और एकदम टाइम से पहुँचा दिया, लेकिन उसके चक्कर में इतनी तेज़ हवा चल रही थी और धूल मिट्टी से बाल पूरे ख़राब हो गए एकदम ड्राई। फिर मैंने आज कंडीशनर लगाया है और शाम को मैं ऑयलिंग भी करूँगी आज या कल में, इतना ठीक हो रहा है। सुबह शाम तो स्वेटर पहनने की ज़रूरत है ही अभी यहाँ पे, तो इसीलिए ना मैं कपड़े लेके आई थी। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे इतना सारा सामान क्यों बना रहे हो, लेकिन बनाना ही पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है। तो नोनी के गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ ही रही है, काम आ रहे हैं ना यहाँ, तो इस वजह से लेके आई मैं। तो बहुत सारा सोच समझ के पैकिंग करनी पड़ती है और सारी ज़रूरत की चीज़ें लेके आई हूँ। किचन पूरा क्लीन है और धुले हुए बर्तन पहले ऑर्गेनाइज़ करने हैं। ये धुले हुए बर्तन ना हम धूप में रख देते हैं ताकि जल्दी सूख जाए। और यहाँ पे मैंने दाल सोख करके रख दी है, इसको अभी थोड़ी देर में बॉईल करती हूँ मैं, और उसके बाद राइस और सब्ज़ी बनानी है। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे लंच की तैयारी करेंगे। तो लंच के लिए दाल चावल रोटी सब्ज़ी सारी चीज़ें बनाएंगे हम, और मम्मी पापा दिन में रोटी भी खाते हैं तो रोटी भी बनाएंगे। तो सब्ज़ी तो के लिए यहाँ पे पत्ता गोभी रखा था और थोड़ी सी मटर मैंने पील कर ली जल्दी से। पत्ता गोभी मटर ऐसी है, मतलब चावल के साथ भी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, और पराठे के साथ तो बहुत ही औसम जाता है इसका कॉम्बिनेशन। तो बस जल्दी से मैंने यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा दी और दूसरी तरफ दाल बॉईल करने को रख दी थी। तो दाल बॉईल हो गई है, उसमें तड़का रेडी कर लूँगी, हींग जीरा, और हमारे यहाँ जखिया कहते हैं इसको, पहाड़ों में मिलता है, तड़के में यूज़ करते हैं इसको, इससे इतना अच्छा फ्लेवर आता है। तो लहसुन घर पे नहीं था इसलिए तो मैं ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। और बस दाल में तड़का लग गया, दूसरी तरफ राइस भी रेडी हो रहे थे, और यहाँ पे जल्दी से मैं रोटी बना के तैयार कर लूँगी। तो विद इन हाफ एन आवर हमारा लंच बन के तैयार हो जाएगा और करीबन 1:30 बजे हम सब अपना लंच कर लेते हैं, ताकि फिर बच्चों को खिलाने में टाइम लग जाता है ना, बच्चों को खिलाना, उसके बाद फिर किचन क्लीन वगैरह ये सब करने में 2:30 बज जाता है। तो बस ये आज का हमारा सिंपल सा पहाड़ी लंच ही कहेंगे इसको। सोने का अलग ही गेम चल रहा है यहाँ पे, ये देखो सारे क्लिप लगा दिए। अरे वाह, क्लोथ क्लीन, वाह देखो लगाओ, ये देखो। तो शाम के 4 बज रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग, और मैं थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। नोनी भी अभी सो के उठ गया है, यहाँ पे आके ना वो कम ही सोता है वैसे, पता नहीं क्यों उसको अपनी जगह पे नींद आती है। उठ गया है, आरू को कोल्ड हो रहा है, उसको अभी मेडिसिन दी थी तो आपको उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी। आरू ऐसा रोते नहीं है बेटा, यहाँ ना मौसम ऐसे चेंज होता रहता है तो इसको सर्दी लग रही है कल से स्टार्ट। नोनी उठ गया, नोनी थोड़ा सा क्रैंकी है अभी, बेटा ऐसे नहीं रोते। अरु कहाँ जाएंगे पहले बताओ। नोनी को यहाँ भी कार मिल गई आके। नोनी कहाँ भाग रहे हो? नोनी फिर भाग गया छत की तरफ। वेयर आर यू गोइंग? हाँ अच्छा, आप तो पहन नहीं रहे हो, आरू दीदी पहनेंगी। हो दोनों बच्चों को मैं ना अभी छत में लेके आई हूँ, शाम के 5 बज रहे और अभी हल्की धूप है क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स बहुत लगे हुए हैं सुबह से। तो अभी ये पहाड़ों का सुंदर सा नज़ारा
इंजॉय कीजिए, बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ से। ये चीज़ बहुत मिस करती हूँ मैं इंदौर जाके, कि ये नज़ारा और यहाँ का मौसम। यहाँ अभी बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं क्योंकि इनको ऊपर लेके आई, इन्होंने जिद कर रहा था छत पे जाना है, और भाभी नीचे सब्जी वगैरह कट कर रही थी। पापा घूमने गए हैं, भैया भी बाहर गए हैं अभी किसी काम से मार्केट, तो इसलिए फिर बच्चों को लेके मैं ऊपर आ गई। मतलब बच्चों के साथ एक जना चाहिए होता है हर समय, ताकि खेलते रहें, एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करें, और बाकी घर के काम तो हो ही जाते हैं मैनेज करना। और अभी बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। और मुझे ना ऐसा लग रहा है मैं कुछ दिन पहले ही तो यहाँ से इंदौर गई थी, और कुछ दिन में ही हम लोग वापस आ गए इतनी जल्दी। नोनी इधर आओ, कम आओ, कम कम कम, देखो देखो देखो। तो बच्चों को थोड़ी देर ऊपर छत में खिलाया और वापस नीचे ले आई, क्योंकि ना धूप तो हो ही रही थी इस टाइम पे, तो हमने सोचा जब धूप चली जाएगी फिर ले जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे डिनर की भी तैयारी कर लेते हैं, और आज का डिनर एकदम सिंपल है, तो लौकी बना रही हूँ मैं, उसमें हम लोग मठा ऐड कर लेंगे। उस वो वाली सब्ज़ी तो हम सबको ही बहुत अच्छी लगती है, तो फटाफट यहाँ पे लौकी में तड़का लगा लिया, और नोनी ही रुक नहीं रहा था तो मैंने कुछ देर उसको कुक टॉप पर बिठा दिया था। सब्ज़ी चढ़ाने के बाद, मतलब सब्ज़ी चढ़ा दी है लौकी की, और आटा वगैरह गूँथ लिया हम लोगों ने, तो बच्चों को फिर से लेके आ गए। दोनों खेल रहे हैं। नोनी का यहाँ है ना, मतलब यहाँ के थोड़ा शर्मा रहा है लोगों से बात करने में, किसी के पास ज़्यादा जा नहीं रहा है, और नोनी का नेचर ऐसा ही है, थोड़ा सा शाय, नए जगह पे आके नए लोगों को देख के करता ही है, थोड़ा सा वो कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कुछ दिनों में ये एकदम परफेक्ट फिट हो जाएगा लोगों के बीच। देखो अरुण आ रहा है, सबके बैठ गए वहाँ पे, रूठ के बैठ गई है। ये देखो अरु क्या हुआ, नोनी भी नाराज होकर बैठ गया। हाँ 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 हाँ, ये नोनी को चिप्स चाहिए, आरू उसको दे नहीं रही है, दो। नहीं दिया, दीदी ने नहीं दिया। उधर यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और अदरक नहीं, एक्चुअली अदरक खत्म हो गई है ना, तो मैं इलायची लेके आई हूँ, इलायची वाली चाय भी अच्छी होती है। और बाहर पे भी कोई आए हुए हैं मिलने के लिए मम्मी से। चाय बन गई है और पापा आ गए हैं वॉक करके, तो पापा को भी दे देती हूँ। मम्मी को मैंने गुड़ वाली चाय दी है, ये गुड़ वाली चाय पापा के लिए यहाँ पर रख देती हूँ। अरु दादू आ गए, आ गए, हाँ दादू के आते ही नोनी खुश हो जाता है, नोनी दादू आ गए, हाँ। तो इसके बाद चाय तैयार हो गई थी, और हम लोग बैठ के आराम से पहले चाय पियेंगे। और आजकल घर में बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे गुजिया मटरी तो होती है, होली के बाद ऐसा रहता है ना सबके घर में, चाय के साथ खाने के लिए काफ़ी स्नैक्स हो जाते हैं, और साथ में कुछ लोग पापड़ चिप्स वगैरह बनाते हैं, वो भी अलग हो जाते हैं। तो हमने चाय स्नैक्स इंजॉय किए, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने रूम में आ गई हूँ, तो धुले हुए कपड़े फटाफट से फोल्ड करके मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिए, और फिर वापस किचन में आते हैं, और यहाँ पे लंच सॉरी डिनर जो है इसको कम्प्लीट करते हैं। तो इसमें मट्ठा डालना था, ये ऐड करके इसको मैं अच्छा से पका लूँगी एक बार। ये एक्चुअली ना भैया के पास जाने से शर्मा रहा है, आरू के पापा के पास जाने से शर्मा रहा है, तो मेरे पास आ जा रहा है। किसे शर्म आ रही है आपको? ताऊचे, ताऊचे शर्म आ रही है, नानी को ताऊचे शर्म आ रही है। जी हो चुकी है रोटी, थोड़ी देर में बनाएंगे। और नोनी कहाँ घूम रहा है, नोनी को देखते हैं। दिखा दादी। नोनी दादू का हेलमेट पहन के घूम रहा है, दिखाओ जरा इधर। दादू का हेलमेट, नोनी को बहुत मजा आ रहा है। चलो अंदर चलो, अंदर चलो, उधर ताऊ है ना इसलिए शर्मा रहे। जाम नोनी आरू देखो, गद्दे में जितनी भी धूल बची है ना सोफे में, सब झाड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं। फिर भी हो, 7:30 बज रहा है और रोटी बनाने में अभी टाइम है, रोटी भाभी बना रही है वैसे अभी थोड़ी देर में, और उसके बाद जो है हम डिनर वगैरह करेंगे। आरू को हो रहा है कोल्ड, लेकिन वो पानी पी लिया, इसको गुनगुना पानी दे रहे हैं। मैं क्या ही रहती, यहाँ का मौसम ठंडा होगा तो इसी वजह से ना यहाँ दिक्कत रहती है, और बच्चों का खासकर, दिन में गर्मी हो रही है सुबह शाम ठंडा हो रहा है, तो वो देखो, तो मुझे भी ऐसे ही हो रहा था, किसी टाइम ठंड और किसी टाइम गर्मी हो रही थी। तो आज का पूरा दिन ऐसे निकल गया बच्चों के साथ, और थकान निकल गई है पूरी, मतलब सफ़र की जितनी भी थकान थी। और अब जो है आगे आपको काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं।
तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। फिलहाल एडिटिंग करने जा रही हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर सकूँ और फटाफट वीडियो एडिट करके अपलोड भी तो करना है, आप लोगों के साथ शेयर करना है। ये टीका लगाया मम्मी ने ना, मंदिर से दिया जला के आते हैं तो टीका लगा देते हैं सबको। तो अब जो इस व्लॉग को एंड करने जा रही हूँ, मिलती हूँ नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। तो आगे व्लॉग्स में बने रहिएगा, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।